दोस्तों बिग बॉस की पांचवी वीक की टीआरपी सामने आ चुकी है। कुछ खुशखबरी है तो थोड़ा सा सैड खबर भी है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली वीकडेज की टीआरपी कम होती थी, इस बार ज्यादा है। वीकेंड की टीआरपी ज्यादा होती थी, इस बार कम है। क्यों, चलिए मैं बताता हूँ आपको, कंपेरिजन में करके बताऊंगा तीसरे चौथे और पांचवें वीक का, ताकि आपको क्लियर समझे। तीसरे हफ्ते जो वीकेंड की रेटिंग थी वो थी 1.5 और चौथे हफ्ते वीकेंड की रेटिंग थी 1.5, यानी कि बराबर थी। इस बार जो वीकेंड के वार की रेटिंग है, यानी कि सैटरडे संडे की, वो 1.3 है, यानी कि 1.5 से सीधा 1.3, यानी कि पहला हफ्ता 1.7 थी, आई मीन सेकेंड हफ्ता, यानी कि जो ज्यादा थी रेटिंग वो 1.5 हुआ पिछले दो हफ्ते से, लेकिन लास्ट वीक की बात करें तो 1.3 तक चला गया है। यानी कि सलमान खान आए, शाइन भी किए, पता नहीं फिर भी रेटिंग क्यों कम आई। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो वीकडेज की बात करते हैं तो तीसरे हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवें हफ्ते का तीनों का बताता हूँ। तीसरे हफ्ते में वीकडेज में, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो रेटिंग थी 1.2 थी, फिर 1.1 हुई, अब 1.4 हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है रेटिंग नॉर्मल डेज जो हम देखते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे। यानी कि अभी की जो पांचवें हफ्ते की रेटिंग है उसमें वीकेंड की रेटिंग, वीकेंड के बाद की रेटिंग 1.3 है और वीकेंड वीकडेज की रेटिंग 1.4 है। यानी कि खुशखबरी जरूर है कि वीकडेज की रेटिंग काफी अच्छी हुई है, वीकेंड की रेटिंग कम हुई, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बाकी कंपैरिजन बाकी हफ्तों के हिसाब से देखें तो ये हफ्ता टीआरपी के हिसाब से काफी अच्छा ही रहा है और ऊपर के हिसाब से चल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फर्क इतना, और अब आईपीएल भी खत्म हो गए, इसका मतलब साफ है कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे।